देख रहे हैं प्राइम स्टोरी। गढ़वाली डब स्मैश वीडियो से सुर्खियों में आई रुचिका सोशल मीडिया के जरिए महज 6 माह में ही देश भर में एक उम्दा कलाकार के तौर पर तेजी से उभर कर सामने आई है। सोशल साइट पर उनके डब स्मैश वीडियो ने जहां इन दिनों धूम मचा रखी है, वहीं उसकी सुरमई आवाज का जादू भी युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। शानदार अदाकारी से सजी उसकी डब स्मैश वीडियो को सोशल साइट पर लाखों दर्शकों ने जिस प्रकार सराहा है वो अपने आप में हैरत करने वाला है। उसकी अदाकारी से प्रभावित होकर गढ़ संस्कृति के महानायक नरेंद्र सिंह नेगी ने उसे अपने प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बन रहे होली आला रे एल्बम में मौका देकर उसके सपनों को उड़ान दे दी है। देश में सोशल साइट के जरिए अनेकों युवाओं ने अपने हुनर का डंका बजवाया है। रुचिका का नाम भी उन टैलेंटेड कलाकारों में शामिल है जिसने अपनी प्रतिभा को सामने लाने के लिए सोशल साइट का बेहद खूबसूरती से इस्तेमाल कर अपनी राह खुद बनाई है। हमारे संवाददाता से एक खास मुलाकात में रुचि ने बताया कि बचपन से ही उसे गढ़वाली गीत संगीत का शौक रहा है। डब स्मैश वीडियो के जरिए जब उसने शुरुआत करी तो सभी ने उसकी प्रतिभा को खूब सराहा और आगे बढ़ने को प्रोत्साहित किया। यही शौक अब उसकी जिंदगी बन गया है। क्लासिकल संगीत की विधिवत ट्रेनिंग ले रही रुचिका ने बताया कि उसका ख्वाब एक बेहतरीन कलाकार के साथ उम्दा गायिका के रूप में गढ़वाली फिल्म जगत में अपनी खास पहचान बनाने का है, जिसके लिए वह शिद्दत के साथ जुटी हुई है। नमस्ते, मेरा नाम रुचिका गंडारी है। आप लोगों ने रिसेंटली शायद मेरे गढ़वाली डब स्मैश और म्यूजिकली इंटरनेट पर देखे होंगे, जिसे ओरिजिनली मैंने अपने एक यूट्यूब चैनल रुचिका गंडारी पर डाला था। वहाँ से काफ़ी पेजेस ने इसे शेयर किया, काफ़ी चैनल्स ने इसे अपने चैनल पर डाला, शेयर किया। तो सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी उन लोगों का जिन्होंने मेरी वीडियो को देखा, उसे सराहा, उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। सो थैंक यू सो मच। और इस गढ़वाली डब स्मैश और म्यूजिकली का मुझे एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ कि मुझे नरेंद्र सिंह नेगी जी के साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने शायद मेरे डब स्मैश देखे होंगे, तो उनकी प्रोडक्शन टीम के एक मेंबर अबू रावत जी ने मुझे कांटेक्ट किया। उसके बाद मेरी बात उनके बेटे कविलास नेगी जी से हुई और फिर हम गोपेश्वर गए, हमने वहाँ पर शूट किया। तो बहुत जल्द आपको नेगी जी का एक होली का सॉन्ग सुनने और देखने को मिलने वाला है, जिसमें मेरा भी एक पार्ट है। तो यस, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मुझे हुआ। एक्टिंग के अलावा मुझे बचपन से गाने का बड़ा शौक रहा है, तो अपने चैनल पर मैंने एक कुछ महीने पहले मांगल की डाला था, जिसे लोगों ने इतना शेयर किया, इतना पसंद किया कि मैं इंस्पायर हो गई इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सीखने के लिए। और अब मुझे 5-6 महीने हो चुके हैं इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सीखते हुए, तो इसका भी अगेन एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तराखंड के ऋषिकेश से अमित सूरी की रिपोर्ट। देख रही है प्राइम स्टोरी।